हेलो गाइस, आई नो काफी टाइम के बाद वीडियो आ रही है, बट आई एम बैक। और मोर इम्पोर्टेंटली, आज मैं आपके लिए एक तगड़ा चेस्ट ट्रैप लाया हूँ। इस ट्रैप की खास बात ये है कि ज्यादातर ट्रैप्स में बिगिनर्स ही फंसते हैं, लेकिन इस ट्रैप को खेलकर आप स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को भी अपने जाल में फंसा सकते हो, लेकिन आप ऐसा तभी कर पाओगे जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चेस ट्रिक को ग्रेको ट्रैप कहते हैं और आपको इसे व्हाइट पीसी से खेलना है। आपको ये खेलना तब है जब आपके पॉन टू e4 के रिस्पांस में ब्लैक e5 चले। फिर आप अपने घोड़े से उसके पॉन पे अटैक करोगे और जैसे ही वो उसको डिफेंड करेगा, आपको चलना है बिशप टू c4। ये बहुत पुरानी ओपनिंग है और इसको सबसे पहले 16th सेंचुरी में खेला गया था। इस ओपनिंग को जियोको पियानो या फिर इटालियन गेम भी कहते हैं। और जब वो अपना बिशप निकालेगा, आपको चलना है पॉन टू c3। ये देखने में आपको थोड़ा ऑड मूव जरूर लग रहा होगा, क्योंकि आपने अपने घोड़े को ही ब्लॉक कर दिया है, लेकिन ये हमारे ट्रैप का प्लान है। फिर वो घोड़े से आपके पॉन पर अटैक करेगा, लेकिन आप इसको इग्नोर करते हुए अपने पॉन से उसके बिशप पे अटैक करोगे। जैसे ही वो पॉन कैप्चर करेगा, आपको रिकैप्चर करना है। फिर मोस्ट लाइकली वो अपने बिशप से आपको चेक देगा, लेकिन आप चेक ब्लॉक कर दोगे अपने घोड़े से। अब आपका अपोनेंट सोचेगा कि उसको फ्री में पॉन मिल रहा है, तो वो उसको कैप्चर कर लेगा। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम चाहते थे कि वो हमारे पॉन को कैप्चर करे। अब हमारे घोड़े पे डबल अटैक हो रखा है, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हुए सिंपली कैसलिंग कर लोगे। अब उसके पास दो चॉइसेस है, या तो वो घोड़े से कैप्चर करेगा या फिर ऊंट से। और कोई भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर होगा, वो अपना बिशप पेयर नहीं गंवाना चाहेगा, इसीलिए यहाँ पर सब लोग नाइट से ही कैप्चर करना प्रेफर करते हैं, जिसके बाद आप उसे कैप्चर कर लोगे और वो रिकैप्चर करते हुए आपके रुक पर अटैक करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको उसको लालच देना है और आप अपने रुक को बचाओगे ही नहीं, उसकी जगह आप बिशप टू a3 चलोगे। अब यहाँ पे ना 90% ऑफ लोग लालची हो जाते हैं। वो देखते यार रुक मिल रहा है और वो उसको कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन इसी के साथ दोस्तों, आपका अपोनेंट फंस चुका है आपके जाल में, क्योंकि नेक्स्ट मूव में आप अपने रुक से उसको चेक दोगे। अब उसके किंग के पास कोई मूव नहीं है, तो उसको मजबूरी में अपने नाइट से ही चेक को ब्लॉक करना पड़ेगा। बट अब आप उसका नाइट मार लोगे, अब वो हमारे रुक को कैप्चर भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे बिशप से प्रोटेक्टेड है। उसको साइड में ही चलना पड़ेगा अपने किंग को। नेक्स्ट मूव में आप उसका पॉन कैप्चर करके उसको चेक दोगे। अब उसके पास दो ऑप्शंस है, या तो वो e8 पे चलेगा या फिर g8 पे। अगर वो g8 पे चलता है तो उसका गेम खत्म है, क्योंकि आप अपने रुक से उसका चेकमेट कर दोगे। और उस पोजीशन में अगर वो अपने किंग को g8 की जगह e8 पे चलता है, तो फिर आप क्वीन से चेक दोगे और एक बार फिर से उसका किंग ट्रैप्ड हो चुका है और उसको अपनी रानी को ही बीच में लाना पड़ेगा, जिसके बाद सिंपली आप उसका चेकमेट कर दोगे। अगर हम थोड़ा पीछे जाए और लेट सपोज उस पोजीशन में वो अपने किंग को मूव नहीं करता है, उसकी जगह वो अपनी रानी से आपका रुक कैप्चर कर लेता है, तो उस केस में आप आराम से उसकी क्वीन कैप्चर कर लोगे, जिसके बाद नेक्स्ट मूव में आप उसका बिशप भी उठा लोगे और इस गेम को बड़े आराम से जीत जाओगे। तो ये था ग्रेको ट्रैप। और अगर आप मेरे साथ चेस खेलना चाहते हो, तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पर मैं लाइव आऊंगा एंड वी कैन प्ले टुगेदर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।